आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। आगामी त्योहार होली के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध शराब के निर्माण और बिक्री जैसी गतिविधियों और दिल्ली की तरफ से अपराधियों द्वारा लाई जाने वाली अवैध शराब पर अंकुश लगाए जाने को लेकर एक्शन जारी है। वहीं महानगर को चिन्हित कर सर्विलांस ड्रोन कैमरों का प्रयोग करते हुए सघन चेकिंग की गई और आसपास के लोगों को इस संबंध में जागरूक भी किया गया। तो होली को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। लगातार गश्त की जा रही है, चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है। साथ ही इस बार ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है। होली पर शराब की तस्करी और जहरीली शराब पर रोक लगाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाएगा। ड्रोन से निगरानी करी जाएगी और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और नशा मुक्त होली का त्योहार मनाने की पूरी कोशिश करी जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। आगामी त्योहार को देखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट है। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देश में चलाए जा रहे अवैध शराब के निर्माण और बिक्री जैसी गतिविधियों और दिल्ली की तरफ से अपराधियों द्वारा लाई जाने वाली अवैध शराब पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश में इसको रोकने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है प्रशासन और एक्शन जारी है। महानगर को चिन्हित कर लिया गया है। सर्विलांस ड्रोन कैमरों का प्रयोग करते हुए सघन चेकिंग की जा रही है और आसपास के लोगों को इस संबंध में जागरूक भी किया गया है। खबर जनपद चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नौली गांव से है, जहां गांव के ही मनबड़ दबंगों का कहर एक लाचार और असहाय परिवार पर इस कदर टूटा कि दबंगों ने बेखौफ होकर महिला समेत तीन लोगों को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। बता दें कि पीड़ित परिवार के अनुसार बच्चों के झगड़े में दबंग परिवार के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर महिला पुष्पा, उसकी बेटी रितु और रितु के बेटे शिवांक को मारपीट कर घायल कर दिया। इस दौरान पुष्पा के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मामला जानकारी में आने के बाद पुलिस ने घायल पुष्पा देवी को धानापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, लेकिन चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बच्चे कका वाला ढेला मार रहा था, उसको हमारे बच्चे बोल दिया, इसलिए जाकर लाठी डंडा लेकर सब हम लोग को मारने हमारे बच्चों को। कौन कौन मारा है? पिंटू सिंह, पवन सिंह, बोलू सिंह जी। बेहोश में सब गया, कुछ नहीं सोचना। देखो बच्ची के भी चोट है, उसके पास 6 महीने के बालक हैं, उसके पटक दिए हैं दरवाजे पर। बच्ची के लिए हमारे बहुत बुरी चोट है। मामला ये है कि सर छोटे बच्चे से झगड़ा था, वो लोग आकर सीधे मारने स्टार्ट कर दिए। कौन, कितने लोग आपके परिवार के घर में? हमारे परिवार के सर 2-3 लोग घायल हैं। अच्छा, मारने वाले कितने लोग थे? वो कम से कम 8 लोग थे। इसकी सूचना आपने थाने में दिया था? अभी नहीं सर, दिया गया था। अच्छा, इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजीत पाठक जुड़ चुके हैं चंदौली से। संवाददाता अजीत, क्या है पूरा मामला और महिला को गंभीर चोट आई है, उनकी हालत कैसी है इस वक्त? मैम, हम आपको बता दें कि आपसी विवाद में महिला को मारा गया। कुछ आसपास 8-9 लोग गुंडे गए और उसके घर पर जाके वो महिला को इतना पीट दिए कि जिसके कारण से उसका गंभीर रूप से घायल हो चुकी है और जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। अभी उसका इलाज चल रहा है, अभी बेहतर बताया जा रहा है जी। आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ जी? कुछ वो उनके जो लड़के थे, महिला के जो लड़के थे, वो कुछ खेल रहा था और जिसके कारण से ये गई छोड़ाने मामले को और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आए और इस महिला को इतना मार पीट दिए जिसके कारण से महिला गंभीर रूप से चोटिल हो गई है। हालत अभी बेहतर बताया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजीत पाठक जुड़े थे चंदौली से।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां मिट्टी से भरे हुए डंपर ने लकड़ी के खोखे सहित लगभग आधा दर्जन लोगों को रौंद डाला। इस दर्दनाक घटना पर मौके पर उपस्थित लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि मामला थाना मखनपुर क्षेत्र के शांति मंदिर के पास का है। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां मोटरसाइकिल मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नौनहरा थाना अध्यक्ष विष्णु प्रताप गौतम ने शनिवार को चार अभियुक्तों को चोरी करते मोटरसाइकिल और मोबाइल के साथ दो अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया है। पिछले महीने में एक सूर्य प्रकाश नाम के आदमी थे, शाम को अपने घर जा रहे थे, तो नौनहरा थाना अंतर्गत उनकी मोटरसाइकिल और उनका पर्स छीन लिया गया, जिसमें 1200 रुपये भी थे और मोबाइल भी था। तो उसी में कल पुलिस को कामयाबी मिली और उसके चारों लुटेरे पकड़े गए, उनका मोबाइल और उनका पर्स वगैरह सब मिल गया है, मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। बस्ती जिले के हरैया तहसील अधिवक्ताओं और तहसीलदार में विवाद हो गया, जहां तहसीलदार सत्येंद्र सिंह, तहसील के चपरासी दिग्विजय सिंह और राज बहादुर सिंह पर मारपीट और लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है। तहसीलदार समेत दो कर्मियों पर आईपीसी की धारा 404, 506 और 392 के तहत हरैया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं इस मामले पर तहसील कर्मियों ने भी वकील के खिलाफ क्रॉस मुकदमा दर्ज कराया है। दिन पूर्व तहसील परिसर में अधिवक्ताओं और तहसील कर्मियों के बीच विवाद हुआ था, जिसके संबंध में दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था नारैया पर। चूँकि तहसील कर्मियों की तरफ से वादी शेड्यूल कास्ट के थे, इसलिए इसमें एक तरफ से तहसील विभाग की तरफ से जो मुकदमा लिखा गया है उसमें SC ST की धारा भी है, और दूसरा मुकदमा जो क्रॉस लिखा गया है, तो दोनों की विवेचना मेरे द्वारा की जाएगी और आगे विवेचना में जो चीज़ें मिलती हैं उसके आधार पर साक्ष्य के आधार पर आगे इसमें निष्पक्ष विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रजनीश पांडे जुड़ चुके हैं बस्ती से। रजनीश, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें, जिस तरीके से जो है तहसील परिसर के बीच में अधिवक्ताओं और तहसीलदार के बीच मामला थाना हुआ था, पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर गहमागहमी हो रही थी। लगातार पिछले दिनों में जो है तहसीलदार और जो है अधिवक्ताओं के बीच में जिस तरीके से मामला थाना है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद संवेदनशील मामला है। और जो अधिवक्ता थे महिला त्रिपाठी जी ने, उन्होंने आरोप लगाया है कि तहसील परिसर के अंदर तहसीलदार के कमरे के अंदर जो है अमीन और अन्य चपरासियों अर्दली के ऊपर जो है 6300 रुपए को मेरा छीना गया और मेरे साथ धक्का मुक्की की गया। कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद ही संवेदनशील मामला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रजनीश पांडे जुड़े थे बस्ती से। खबर औरैया से है, जहां शहर के संयुक्त चिकित्सालय में पिछले 6 वर्षों से अल्ट्रासाउंड मशीन बंद पड़ी थी, जिसे अब शुरू कर दिया गया है। वहीं नवागंतुक CMS के आने के उपरांत ये सुविधा शनिवार से प्रारंभ कर दी गई है और शहर के 50 संयुक्त जिला अस्पताल में अब मरीजों को ₹1 भुगतान करके अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी, जहाँ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश मोहन गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी। यहाँ की जनता के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, और अगर इसका सुचारू संचालन होता रहा, डॉक्टरों की रुचि ली गई उनके द्वारा करने में, तो बहुत ही उनको लाभ मिलेगा और अन्य डॉक्टरों को भी और लाभ मिलेगा इसके डायग्नोसिस करने में और मरीजों की इलाज करने में। दिल्ली से फरीदाबाद में आज देश की एक नामी स्कॉट कंपनी ने फरीदाबाद महकमे को अपने CSR फंड से 9 आर्टिका गाड़ी भेंट की है, जिसकी चाबी आज स्कॉट कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट ने फरीदाबाद के DCP नीतीश अग्रवाल के हाथों में सौंपी और उन्हें आश्वासन दिया कि स्कॉट कंपनी आगे भी इसी प्रकार से पुलिस का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगा।
16 से पुलिस महकमे को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे चेयरमैन फरीदाबाद सिटी, फरीदाबाद के निवासियों और फरीदाबाद की सेफ्टी के लिए काफ़ी हमेशा आगे आके काम करते हैं। पुलिस में डीसीपी साहब और उनसे पहले जितने भी सीपी साहब रहे हैं उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। एक कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री और हमारे पुलिस स्टेक होल्डर्स के बीच में, और हमने पहले 20 मोटरसाइकिल दी थी और 9 इसुजू दी थी, आज हमने टोटल 9 अर्टिका भी दी हैं, पहले भी हमने 3-4 और गाड़ियां दी थी, तो काफ़ी सहयोग मिलेगा। आगे ये रिलेशन बढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि दोनों स्टेक होल्डर्स जब इकट्ठा काम करेंगे जब ही शहर का विकास होगा। मैं एस्कॉर्ट ने अपने CSR इनिशिएटिव के अंडर बहुत ही अच्छी पहल करते हुए पुलिस प्रशासन को 9 गाड़ियाँ दी हैं, जिसको हम जैसे कि नए चैलेंजेस पुलिसिंग के लिए आ रहे हैं रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी के लिए भी, और उसके अलावा जिसमें यह होता है कि पुलिस का रिस्पांस टाइम जनरली कंप्लेंट होती है कि कम होता है, तो हम उसको इंक्रीज़ करने के लिए और शहर में सिक्योरिटी और बढ़ाने के लिए एस्कॉर्ट ने बहुत अच्छी पहल करते हुए 9 गाड़ियां पुलिस को दी हैं, और ये पहल उनकी हमेशा काफ़ी टाइम से चलती आई है। इससे पहले भी उनने पुलिस का काफ़ी सपोर्ट करा है और इस टाइप की गाड़ी पहले भी डोनेट करी हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और फरीदाबाद शहर को यही बोलना चाहूँगा कि उनके लिए सुरक्षा के लिए और सिक्योरिटी के लिए हमेशा पुलिस तैनात है, और लोगों के कोऑपरेशन से, पब्लिक के कोऑपरेशन से हम और भी अच्छा काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।